स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस सुल्तानपुर रोड लखनऊ के प्रोफेसर भरत राय सिंह जो की स्कूल महानिदेशक तकनीकी के द्वारा एक एरो बाइक का पैटर्न 2020 में हो चुका है। 2010 से एसएमएस स्कूल के बच्चों द्वारा और प्रोफेसर भरत राज सिंह के मार्गदर्शन में इस बाइक को बनाएगा। इसी के साथ ही सेल्फ चार्जिंग कार, सोलो इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल, सोलर कार भी इस संस्था के बच्चों द्वारा बनाई गई। हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में प्रोफेसर भरत राज सिंह ने बताया, बहुत कम लागत और कम समय में एरो बाइक बनाई गई जिसमे किसी प्रकार के ईंधन, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एरो बाइक सिर्फ और सिर्फ हवा से चलती। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रोफेसर सिंह ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज में, और मैं आपकी अपनी सुधी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कुछ दिन पहले कि अभी भारत की ओर से चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और जो कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण भी किया गया है, पहुंच भी गया, और वहां से बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो फोटोज थी, वीडियो थी, जो फोटो है वो भारत के साथ शेयर किया गया है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज आदित्य L1 का लॉन्च किया गया है और सफलतापूर्वक इसका प्रशिक्षण किया गया है। पूरे भारतवर्ष को इस पर गर्व है। चांद पर तो तिरंगा लहराया ही गया है, अब सूरज पर जाने की देरी है। तो हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर भरत राज सिंह जी जुड़ चुके हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके द्वारा एक एरो बाइक भी तैयार की गई है जिसमें ना ईंधन की आवश्यकता है, ना पेट्रोल की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है, और ना ही CNG की। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रोफेसर सर के साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का स्वागत है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस प्रांगण में। अभी आपने जिक्र किया एरो बाइक का, ये एक आविष्कार है विश्व का, और जिसको 2010 में अमेरिका ने पूरे 172 कंट्री को प्रसारित किया, और इसका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में ऑलरेडी एक पेपर छपा हुआ था जिसके आधार पर उन्होंने देखा कि ये आविष्कार है नया। एरो साइकिल नाम दिया गया, जैसे रैंकाइन ऑटो साइकिल होती है जो पेट्रोल पर चलती हैं, डीजल पर चलती हैं, ये हवा पर चलती, नया सिद्धांत। अब आइए इसका इसकी उपयोगिता। ये उपयोगिता है कि जो आजकल प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक डैमेज हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट मुख्य उसका एक पार्ट है, दूसरा है इंडस्ट्री, दोनों मिलाकर करीब 75% कंट्रीब्यूशन इसी का, बाकी रेस्ट 25% सारा मेडिकल और कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें। तो ये विचार आया कि अगर हम ट्रांसपोर्ट को ले लें, 34-35% को ही कंट्रोल कर लें, काफ़ी कुछ राहत हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग इसका। उस आधार को लेकर के इसको एक इंजन नया कुछ सोचने के लिए सुख हुआ, और उसके कारण ये उपलब्धि मिली है, और नया एक इंजन है केवल कंप्रेस्ड एयर पर चलता है, इसमें कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं, प्रेशर पाइप भी नहीं लगी। फिर भी इसको 3 बच्चे बैठ करके इसको टेस्ट किए, लोड टेस्ट भी आया, प्रैक्टिकल टेस्ट अलग है, लैब का टेस्ट अलग है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में टेस्ट किया गया, और ये गाड़ी चलती 80 की स्पीड पर चलती है। अगर पूरा इसमें सारे चीज़ कर दिए जाए, क्लच व्लच लगा दिए, तो 80 की स्पीड पकड़ लेगी। अभी भी 40 की स्पीड तो ऐसी चल पड़ती है, और इसमें ना तो इसकी लागत 85,000 के करीब है, और इसमें अभी क्लच गियर कुछ भी नहीं लगा, सीधे हवा का लोड उस पर दिया जाता है, इंजन पर चल पड़ता है। ये है, अगर इसको हम कर दें, अब इसका पेटेंट भी 2020 में हो चुका है, तो ऐसा है कि अब इसको हम लोगों ने गुजरात में मैक्सिन कंपनी को दे रखा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब से, और इसका आने वाले भविष्य में हो सकता है 1.5-1.5 साल के अंदर तैयार होकर के पब्लिक के डोमेन में आ जाए। और गाड़ी सस्ती इसलिए है कि इसमें लागत कुछ है नहीं। दूसरा ये है कि इसका टैंक कभी ख़राब होने वाला नहीं, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो उसमें ख़राब होने के, एक इंजन है वो भी हवा पर चलता है, उसमें भी गियर टीयर बहुत कम है, तो इस सिद्धांत पर ये बना हुआ, और आने वाला हो सकता है कि ये जनता के लिए, ऐसे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो सकेगी। और आपके जहन में ये एरो बाइक बनाने की कल्पना कहाँ से आई? ये इसकी कहानी बहुत तो लंबी है, बचपन में, हाँ बचपन में मैंने हनुमान जी की रामायण पढ़ते थे, दादा
वो सुनाते थे हनुमान जी की प्रसंग आया, हमने कहा कैसे उड़ सकते हैं, न पंखा है न उनके पास चिड़ियों के तरीके पंखा है, न हवाई जहाज के तरीके से विंग लगी हुई है, ऐसे कैसे उड़ सकते हैं। तो मुझे एक दिमाग में आया, मैंने कहा इसको आप अगर गदा इनसे कह दीजिए रख दें और उड़ के दिखा दें, दादा के कहने पर उड़ जाएंगे। ये तो एक प्रसंग आया है, इसमें लिखा हुआ और सारा है। तो मैंने कहा इसी गदा में सब कुछ है, गदा ही इसी तकनीक है जिसके कारण ये उड़ जाते हैं। उसी की खोज मैंने रिटायर आप सेवानिवृत्त के बाद मैंने 2004 के बाद रिसर्च शुरू की, और मैंने उसी गदा को एक एयर मिसाइल के रूप में माना और उस पर उसी सिद्धांत को लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाला और उस पर चल रहा। हवाई जहाज जैसे उड़ती है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए, कितने प्रेशर उड़ती है उतने प्रेशर हवा डाल दीजिए, इंजन चलने लगे, एक सिंपल सा। तो ये तो आविष्कार सर आपने किया, और जो दूसरा आविष्कार आज भारतवर्ष के जो साइंटिस्ट ने किया है आदित्य L1, इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही बड़ा है, मैं तो आप सभी पूरे विश्व के नहीं कम से कम इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, और पूरा विश्व गर्व इस समय भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व गर्वान्वित है कि ये पांचवा मिशन है इस समय जो कि सूर्य के उस पर जा रहा। पहले इसके पहले जापान और अमेरिका चाइना ये सब अपने भेज चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारत की है ये चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जो विश्व ने देखा उससे कम लागत पर इसको हम लोग हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने वातावरण में है उसी को टायर में जैसे कंप्रेस करके भर दिया है उसी तरीके से सिलेंडर बना उसमें भर दिया जाता है और ये चलता है, उसका भी आप एग्जाम्पल देख लेंगे। अब रह गया कि उस सिद्धांत में ये उपयोगी कैसे हुआ। पूरे विश्व में अगर आप देखें तो कुछ डेवलप कंट्री को छोड़कर सभी जगह कॉमन मैन की व्हीकल मोटरसाइकिल होती है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी का 70-80% प्रदूषण केवल मोटरसाइकिल से होता है। तो इस पर विचार आया है कि अगर हम इसको ही कंट्रोल कर लें, बड़ी गाड़ियों बाद में देखें, तो हमारा ये कंट्रोल जो क्लाइमेटिक डैमेज का है जो जैसे हिमाचल उत्तराखंड सारी जगह तूफान आ रहे हैं पहाड़ियाँ गिर रहे हैं ये सब में आपकी कुछ राहत है। इसको हमने अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के बच्चों से इसको मोटरसाइकिल पर इंजन तैयार लोड चेक पूरे विश्व में इसका नाम हो गया, आविष्कार में हो गया, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के बैकग्राउंड में सी वी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ खुला उसके तत्वाधान में तैयार किया। बच्चों ने इसको आप देखेंगे छोटे छोटे चीज़ें हैं, पानी की पाइप पे लोड हैं, 7 चीज़ों को जांच करेगा, इसका टेम्परेचर कितना है, हीलियम जो विघटन होती है उसमें क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या उसका इफेक्ट होगा, सूर्य 365 दिन में जिन गतियों पर चलता है उससे शारीरिक उस पर जब सूर्य कहीं नज़दीक होता है शारीरिक उस पर क्या दुष्प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी रेज उसमें से निकल रही हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन बहुत गहनता से किया जाएगा और जिसका अभी तक कोई नहीं। और ये कहाँ स्थापित हो रहा, जहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी न्यूट्रल और उसकी ग्रेविटी जो सूर्य की है जहाँ दोनों मिलती हैं, जहाँ न्यूट्रल ना उधर जा सकता नहीं इधर, तो वहाँ स्थापित होने को लैब हमेशा 5 साल के लिए अभी इसका जीवन रखा गया 5 साल है, भरपूर सूचनाएं देगा। ये बहुत ही आज का बहुत शुभ दिन है, आप आए और इसके बारे में जानकारी ली और हमें आदित्य L1 के बारे में जानकारी दी, बहुत ही शुभ दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जैसा कि सर ने कहा कि इनका जो ये एरो ब्राइक है ना, इसको ईंधन की आवश्यकता है ना इलेक्ट्रिक की आवश्यकता है ना ही पेट्रोल की आवश्यकता है, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका डिज़ाइन भी किया गया है, मार्केट में बहुत ही कम दाम पर इसे लॉन्च किया जा रहा है और जल्दी ही लोगों को इस पर बैठकर सवारी करने का आनंद भी प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज भारत का हर नागरिक इसरो के हर वैज्ञानिक पर गर्व कर रहा है कि भारत पर और भारत की ओर से जो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया और सफल परीक्षण किया जा रहा है, तो इस पर पूरे देश को ही गर्व है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता श्रुति गुप्ता।
जब मैं सर सीवी रमन रिसर्च सेंटर SMS में गई तो वहां पर बच्चों द्वारा कई नए आविष्कार मशीनों को देखा, जिसे देखकर दंग रह गए। मैंने जैसे ही स्वयं सेल्फ चार्जिंग कार को चलाया, मानो लगा हवा से बात करने लगी, एक अलग ही अनुभूति का एहसास। इस संस्था में कई मानी जानी हस्तियां, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस संस्था की तारीफ की। इस संस्था को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। इस संस्था को NAAC A+ ग्रेड मिला। आने वाले समय में संस्था के द्वारा थ्री व्हीलर कार के साथ कई नए आविष्कार हमें देखने को जल्द मिलेंगे।